ओके तो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसा रहा आज का दिन? भूखा नहीं, ये एक दिन है जो मैं डेस्परेटली वेट करती हूँ थ्रू आउट द ईयर. ये मेरे लिए किसी भी जन्मदिन से भी सबसे बड़ा है, बिकॉज ये टोटली मेरे हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड होता है. और मैं ना एक्चुअली अंदर से भी ना बड़ी ब्राइडल हूँ. अगर हर साल मुझे कहा जाए कि अपनी एनिवर्सरी पे इनसे शादी कीजिए तो मैं हर साल कर लूँ. मुझे ये वाला जो त्यौहार होता है ना, जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होता है, मुझे बहुत पसंद है. सो करवा चौथ का मैं डेस्परेटली वेट करती हूँ. मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, वो कराती हूँ, मैं इनका नाम लिखवाती हूँ. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. एंड फाइनली जब वो दिन आता है तो मैंने ढूंढ लिया था अपना नाम, ये देखो गुजराती, मैंने गुजराती में लिखवाया. और एक और नाम है मम्मा का. और एक नहीं नहीं सो हाँ, सो बहुत अच्छा दिन रहा. और पैम्परिंग बहुत मिलती है, क्योंकि जो इनको वैसे मुझे दिन में मैं 10 मिस्ड कॉल्स अगर दूँ तो ये 2 का जवाब देते हैं. 10 बार कॉल करूँ तो बाकी 8 मिस में जाते हैं और 2 बार कॉल करते हैं. रिकॉर्डिंग में आई थिंक बिजी रहते होंगे ये सारा दिन काम में बिजी रहते हैं. अगर इन्हें मैं ना फ़ोन करूँ तो शायद घर भी ना आए. बेटी का वास्ता देना पड़ता है, घर पे बेटी है. सो तो यही है कि आज के दिन लेकिन सामने से फ़ोन आते हैं और हर एक एक घंटे में फ़ोन आता है कि ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहे ना, सो जाओ टीवी देख लो. और इनका बेस्ट होता है, सो जाओ, सो जाओगे तो भूख नहीं लगेंगे. मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा तभी आता है. और हर बार एक्चुअली करवा चौथ के दिन ही मैं वैसे आराम से उठती हूँ, पर करवा चौथ के दिन ही मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, पता नहीं क्यों. तो मेरा भूख का स्पैन बढ़ जाता है. यही अगर मैं आराम से 2-3 बजे उठूँ तो मेरा वो थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन पता नहीं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, प्लस जो जम के पैम्परिंग मिलती है. आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब आपने पहले तो आपसे नहीं, आपका भी व्रत था या सिर्फ मैडम का ही था? नहीं, मैंने लास्ट ईयर फास्ट किया था और 13 साल में 2 बार फास्ट किया मैंने. एक बार सब शादी हुई थी सबसे पहले साल, उसके बाद लास्ट ईयर मैंने फास्ट किया था. और ये 13 साल से हर साल रखती है फास्ट. और मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने ज़रूरत नहीं है. कहती नहीं नहीं मेरी भावनाएँ और जो जिनकी हमारे जो एक हिंदुस्तान की जो हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएँ पर जो जिन चीज़ों के ऊपर और जिन भावनाओं के ऊपर हमारे देश बसा है वो आज भी इसी इन्हीं चीज़ों में ज़िंदा रहती हैं. और मुझे फिर इसलिए अच्छा लगता है कि हम ट्रेडिशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं. जिसने भी बनाया होगा, जब बनाया होगा, इन चीज़ों में कोई बात होगी तभी ये पूरा देश 100 करोड़ की जनता है सब फॉलो करते हैं. तो कुछ बात होती है इन चीज़ों में, इसलिए हमको उसको सच्चे दिल से अच्छे से करना चाहिए. तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दैट शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू फास्ट फॉर मी. और जब भी चांद नहीं आ रहा था तो फिर मैं उसको गाना गा के फ़ोन पर इसका मन बहलाता हूँ मैं. चांद आया है जमीन पे आज करवे की रात में, सुबह से वो यहीं कहीं है आज करवे की रात में. अरे ढूंढो ढूंढो रे, शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो. ऐसे कुछ कुछ गा के मैं उसको इसका मन बहलाता रहता हूँ. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इनके रिकॉर्डिंग के जितने भी गाने हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जो भी गाने ये लोग गाते हैं सारे गाने हिट होते हैं. तो क्या फील करते हैं कि जब इनके सारे गाने हिट होते हैं और हर किसी के जुबान पे होते हैं, और जब पहली बार जब वो गाना आता है तो हर किसी के जुबान पे होता है, क्या फील करते हैं आप? हाँ, पहले ये होता था कि जब पहला हिट गाना आया था तो अगर रेडियो पर हम सुनते थे तो एकदम मतलब ऐसा लगता था कि अरे हमारा गाना आया. लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने गाने इतने सारे हिट दे दिए हैं कि अब जब कभी आता है और हम लोग 10 सेकंड अगर लग जाते हैं ये ध्यान देने में, तब वो आता है कि अच्छा मतलब अब तो इतनी आम बात हो गई है. तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब ये इतने हिट गाने देने लग गए कि अब तो आम बात हो गई है. बट नहीं, आई फील रियली प्राउड. और मैं कोशिश करती हूँ कि जब कभी मैं परफॉर्मेंसेस कर रही होती हूँ स्टेज पे वगैरह, तो जितना हो सके मैं इनके गानों पे करूँ, ताकि आई फील कनेक्टेड विथ हिम. एंड आई लव म्यूज़िक. और जब मैं इन्हें मिली एक्टर थे तो इनका भी ये जो ट्रांजिशन है अच्छा है. म्यूज़िक से एक्टिंग में नहीं गया, एक्टिंग से म्यूजिशियन बने, क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है. सो आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम कि मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है जो कि है म्यूज़िक और ये और मेरी फैमिली, वो हम सारे मिलकर इंजॉय करते हैं म्यूज़िक. एंड उसको 90s के 80s के बस सारे गाने, इसको एक एक कौन सा एक्टर कौन से गाने में है. और जब भी कोई गाना बना के आता हूँ उसको घर पे सुनाता हूँ तो ये बहुत तेज़ है, फटाफट बोलती है अरे ये धुन उस गाने से मिल रही है, ये धुन उस गाने से मिल रही है. तो मैं बोलता हूँ बेबी साथ ही सुर है, कोई ना कोई धुन कहीं ना कहीं किसी गाने से तो मिलेगी मिलेगी. ऐसा तो गाना ही नहीं बना पाऊंगा मैं. हर धुन, हर गाने के हर धुन के कोई पार्ट कहीं ना कहीं मिला देती है. मैंने कहा वो है तो अब हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं तो जाके सब चीज़ें कुछ ना कुछ सी लगेंगी. और बट अच्छा है कि म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत म्यूज़िक सुनती है और अच्छे अच्छे मुझे बहुत दुनिया भर के गाने सुनाती है. देखो वर्ल्ड में कैसा म्यूज़िक चल रहा है, आपको भी ऐसा बनाना चाहिए. तो आई फील वेरी हैप्पी कि
घर पे भी एक पार्टनर है जो हमेशा सोच रहा है हमारे बारे में। ये गुड़िया से बात करेंगे, आपका पहले नाम बताइए। सुमायरा। ओके, तो आज के दिन कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मम्मा डैडी को, कुछ भी मॉम डैड को? आज देखिए व्रत रखा। हाँ बताइए बताइए अपने पास के बारे में। यहाँ यहाँ उधर देखिए कैमरा में देखिए। हाँ हाँ जो आपको कहना है आपने फास्ट रखा है ना आपने। अच्छा बताइए आपने मेहंदी लगाई पापा के लिए, सब कुछ बताइए आप, बताइए ना आपने क्यों मेहंदी। I fasted for papa and papa fasted for mama 11th October। अच्छा पापा ने क्या क्या बोला जब ये मेहंदी देखी आपकी, तो कुछ बोला पापा ने कि ये मेहंदी बहुत अच्छी है, किसने बनाई? पापा ने बोला, फिर मैंने बोला I'm fasting, so papa said for whom are you fasting? So I said I'm fasting for you, and then papa like papa started crying. बड़े emotional papa हैं इनके। चलिए आज आज के दिन तो ये है, जैसे कि हमारी जो भारतीय कल्चर है, जैसे कि ये भी एक इंडियन कल्चर है जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चांद से या भगवान से ऐसा कुछ प्रे करेंगे कि हर जो सात जन्म होते हैं, जो ऐसा सातों जन्म ये आपको मिले? मैं बिल्कुल आई एम वेरी लकी टू हैव अ वाइफ लाइक करिश्मा, और मैं बिल्कुल ये प्रे करता हूँ चांद से भी कि ज़िंदगी भर ऐसी जन्मों भर हमें ऐसे मिलाते रहें और ये प्यार हमारा बना रहे, और जो रोमांस वो रोमांटिक है हमारे चंदा मामा ये रोमांस लेके आते हैं कपल्स की लाइफ में, तो आई थिंक बस ये हर साल ये ऐसे ही ये रीत चलती रहे, और हर साल चांद आज जैसे इस बार जल्दी आए जल्दी आ जाए करें तो तो ये जो थोड़ी सफरिंग है कम हो जाएगी। इट्स नॉट अ सफरिंग। हां यस कुछ बोलना। आई वांट टू टेल मम्मा हिंदी में, मुझे मम्मा पापा से बोलना है कि थैंक यू फॉर सच ए नाइस लाइफ। ओके थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर लाइफ। चलिए एक आखिरी सवाल, ये इतने अच्छे अच्छे गाने गाते आज के दिन हम चाहेंगे कि एक कोई एक ऐसा गाना जो इनके लिए आज इनके लिए चलो जल्दी। अच्छा एक गाना, एक गाना है जो मैंने गलती से शादी होते ही गा दिया था पूरे परिवार के सामने। एक गाना है जो मैंने शादी होते ही पूरे परिवार के सामने गा लिया था, और तब से इनके साथ साथ मम्मी जी पापा जी भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं जब कोई पार्टी होती है कुछ, चलिए अब करिश्मा गाना गाएंगे चलिए, तो ये वही एक गाना है जो मुझे अच्छे से आता है और वो इनको डेडिकेटेड है। प्लीज़ माइंड द वॉइस। जब जब तेरी सूरत देखूं, जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा मन में लागे, हो तेरी तरफ ही दिल मुझ खींचे, क्या तू मेरा लागे, क्या तू मेरा लागे, कौन सा ये बंधन है, ये कैसा अपनापन है, किसी का जोर चले ना, ये कैसी दिल की अगन है, जाने जाना हो जाने जाना। इनफैक्ट जो आज जितना भी हमारा म्यूजिक जो गावा लेते हैं म्यूजिक, हमारे फादर शुरू से बहुत अच्छा गाते थे और उन हालांकि वो बिजनेसमैन थे पर उनसे म्यूजिक हमारा बाय चांस यहाँ पे है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी एक गाना आज गा के सुना दें। सर आओ आपको यहाँ आ जाओ, कुछ भी गा के सुना, कुछ भी हम ही आ जाते हैं यहाँ पर, हम ही आ जाते हैं। रात में मैंने गाना गाया था, चौदवी का चांद हो या हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदवी का चांद।